हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या होते हैं, विज्ञापन की खास बातें। पहली जो इसकी खास बात है वो है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द गुड्स सर्विसेज एंड आइडियाज। आप एडवर्टाइजमेंट किसी भी काम के लिए करा सकते हो, चाहे आप अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बनाते हो, या आपकी कंपनी सर्विसेज देती है, या आपके मन में कोई आइडिया आया है वो सोसाइटी को लेकर भी हो सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट किसी भी फॉर्म के लिए हो सकती है। गुड्स मतलब प्रोडक्ट, आपके साथ एक फिजिकल फॉर्म में एक प्रोडक्ट है, उसकी भी एडवर्टाइजमेंट कराई जा सकती है। सर्विसेज, जैसे बैंकिंग वाले सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर वाले सर्विसेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाले भी सर्विसेज देते हैं। इसी तरह से आइडियाज की बात कर रहा हूँ। आइडियाज में क्या, जैसे आपके मन में आइडिया आया कि चलो सोसाइटी को अवेयरनेस करने के लिए हमें एक एडवर्टाइजमेंट कराएं, जैसे पानी को बचाना है, बिजली को बचाना है, तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट भी कराए जा सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट किसी भी काम के लिए हो सकती है। गुड्स फिजिकल फॉर्म, सर्विसेज आइडियाज। आगे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यूज्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो सर्विसेज दे रही है, चाहे वो प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, तो किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है, चाहे वो सोसाइटी के लिए काम करती है, चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पीडी कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन बहुत स्पीड में होता है, क्योंकि एक साथ बहुत लोगों तक भी पहुंच जाता है, प्लस एक साथ लाखों लोगों तक भी आता है। स्पीडी का मतलब होता है कि 15-20 सेकंड के अंदर ही आपकी पूरी की पूरी बात आपके सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आईपीएल के मैच या कुछ क्रिकेट के मैच देखे होंगे, जिसमें हर ओवर के बाद 15 या 20 सेकंड का क्या होता है, गैप होता है, और उस 15-20 सेकंड के गैप के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलती है वो बहुत स्पीड से मिलती है, वो बहुत इंप्रेशन होता है उसका, काफी इंप्रेशन पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर, तो काफी स्पीड में होती है। फिर आगे जो पॉइंट आ रहा है वो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपने मान लो एक बार न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी, और मान लो वो न्यूज़पेपर पूरी की पूरी कंट्री में जाती है, तो आपका एक मैसेज पूरी कंट्री के अंदर एक साथ पहुंच जाता है। इसी तरह से क्रिकेट मैच के टाइम पर दिया गया एडवर्टाइजमेंट एक बार के अंदर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। टीवी सीरियल्स के बीच में जो विज्ञापन दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, वो भी एक साथ असंख्य लोगों तक पहुंच जाता है। तो बहुत ही मास कम्युनिकेशन फॉर्म में होता है, मतलब असंख्य लोगों तक पहुंचने का जो हमारा सस्ता और सरल साधन है, बिल्कुल नॉर्मल और स्पीडी वे है, वो हमारा एडवर्टाइजमेंट ही है। आगे देखिए, ये ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, और ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। रिटन फॉर्म में कैसे, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, वीडियो फॉर्म में कैसे, टीवी पे, है ना, इंटरनेट पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती है। ऑडियो फॉर्म में कैसे, रेडियो पे, एफएम पे, या टेलीफोन, आपके पास कॉल आती है और कॉल करके आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बता दिया जाता है। तो ये किसी भी फॉर्म में आपका एडवर्टाइजमेंट का मैसेज आपको अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेड फॉर्म। यस, एडवर्टाइजमेंट कोई फ्री का काम नहीं है, ये हमेशा पेड फॉर्म होती है, इसके लिए पे करना पड़ता है। जिस कंपनी का ब्रांड जिसको जितना ज्यादा फेमस करना है वो उतना ही ज्यादा उसके ऊपर पैसा खर्च करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आईपीएल मैच मैचेस चलते हैं, क्रिकेट के मैच चलते हैं, फुटबॉल के मैच चलते हैं, ये मैचेस जब हो रहे होते हैं तो पूरी दुनिया के लोग आपके इस स्क्रीन को देखने के लिए तैयार बैठी होती है, तो उस टाइम करवाया गया एडवर्टाइजमेंट बहुत महंगा भी पड़ता है। और पर कुछ नॉर्मल दिनों के अंदर, नॉर्मल टाइमिंग के अंदर अगर आप एडवर्टाइजमेंट कराने चाहते हो तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट सस्ता भी पड़ता है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए डेफिनेटली हमको पेमेंट करनी पड़ती है, जबकि पब्लिसिटी के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती। यस, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में फर्क होता है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी खुद कराती है, जबकि पब्लिसिटी कोई थर्ड पर्सन आके कर देता है। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट किसी को अच्छा लगा, उसने क्या किया, आपके कंपनी के प्रोडक्ट को किसी और लोगों को बताना स्टार्ट किया, आपने तो नहीं कहा, उसको हम बोलेंगे पब्लिसिटी। आपका प्रोडक्ट किसी को अच्छा लगा, उसने आपके कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट मान लो अखबार में दे दी, आपने तो पेड नहीं किया, आपने तो पे नहीं किया उसको, पर उसने
सेटिस्फाई होकर आपके कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट किया, दैट इज अ पब्लिसिटी। बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, जबकि पब्लिसिटी के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती। एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट पार्टी करती है, आपका प्रोडक्ट है आप करोगे एडवर्टाइजमेंट, पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। पब्लिसिटी किसी थर्ड पर्सन ने किया, किसी ने प्रोडक्ट यूज किया, वो सेटिस्फाई लगा तो उसने आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट किया, दैट इज अ पब्लिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉन पर्सनल एडवर्टाइजमेंट, नॉन पर्सनल फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी पे जो आप विज्ञापन देखते हैं वो वन साइडेड होता है, उस टीवी के विज्ञापन को देखकर आप तुरंत फीडबैक नहीं दे सकते, है ना। न्यूज़पेपर में जो आप देखते हो आप तुरंत फीडबैक नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट कराने वाली कंपनी होती है या जिस भी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया है उसको तुरंत फीडबैक नहीं मिल सकती है। तो एडवर्टाइजमेंट्स की जो भी फॉर्म होती है वो मोस्ट प्रोबेबली नॉन पर्सनल होती है। पर आजकल इंटरनेट के ऊपर अगर कोई विज्ञापन आता है तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में भी कहीं ना कहीं उसकी फीडबैक मिलती रहती है, तो वहां पे थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो नॉन पर्सनल ही होती हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजमेंट देखते हुए हमको ये बात बहुत अच्छे से पता लग जाती है कि एडवर्टाइजमेंट किस कंपनी ने कराया है, किस प्रोडक्ट का है, किस ब्रांड का है, किस बात के लिए कराया गया है। ये बात हमको पहले से ही एडवर्टाइजमेंट को देखते ही पता लग जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट का स्पॉन्सर कौन है, उसके ऊपर पैसा किसने खर्च कराया है, ये आपको पता लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनी फॉर्म। एडवर्टाइजमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप मैगजीन्स के अंदर दे सकते हो, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, टीवी पे दे सकते हो, रेडियो, एफएम, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी फॉर्म्स है आप किसी भी फॉर्म के अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, इट्स एन आर्ट। एडवर्टाइजमेंट कराना एक आर्ट होती है, कला होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर काफी सारे एडिटिंग, म्यूजिक, बैकग्राउंड, कलर, फीचर्स, काफी सारे चीजें इसमें ऐड होती हैं और उन्हीं के बेस पर उसको इफेक्टिव बनाया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट करना भी अपने आप के अंदर एक आर्ट है, एक कला है। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने वाली कंपनी के ऊपर, क्रिएटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एडवर्टाइजमेंट को कितना इफेक्टिव बनाते हैं। तो डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग क्या है, एक आर्ट भी है, कला भी है। नेक्स्ट, चेंजेस एज पर द सीजन। एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं है कि आपने आज एक एडवर्टाइजमेंट चलाया, बनाया और वही पूरा साल चलता रहेगा। भाई सीजन चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, लोगों के मन में फैशन चेंज होता रहता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई एड तैयार की और वही एड आपकी पूरी की पूरे साल चलती रहेगी या दो साल के बाद भी वही चलती रहेगी। नो, आपको सामने वाली कंपनीज को देखकर भी एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तो ये बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ बदलता रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। एलिमेंट्स प्रमोशन मिक्स के कौन कौन से होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी। तो प्रमोशन मिक्स के अंदर बेसिकली चार पॉइंट माने जाते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट उसी में से ही एक एलिमेंट है। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में तो क्या होता है, एक एक पर्सन से मिला जाता है, सेल परचेज की बात की जाती है, उसकी कस्टमर्स की फीडबैक भी ली जाती है। पब्लिसिटी थर्ड पर्सन कराता है। सेल्स प्रमोशन के अंदर काफी सारी टेक्निक फॉलो की जाती है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली प्रमोशन मिक्स का एक हिस्सा होता है, एक उसी का ही एलिमेंट है। नेक्स्ट है मोटिवेट्स द ऑडियंस। ये ऑडियंस को भी मोटिवेट करता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उनके भीतर एक प्राउड का फीलिंग भी क्रिएट करता है कि अगर आप हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपके द्वारा लिया गया ये डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। तो इस प्रकार की बातें उनके सामने रखी जाती है, ऑडियंस को मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट जब कराई जाती है तो इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट कब करनी है, कैसे करनी है, कितने बजे की जाएगी, कौन से मूवी के बीच में की जाएगी, कौन से मैच के टाइमिंग पर की जाएगी, तो ये सारी बातें फिक्स की जाती हैं। नेक्स्ट है क्रिएट डिमांड। एडवर्टाइजिंग कराने का मेन फंडा क्या है, डिमांड को क्रिएट करना। लोग प्रोडक्ट की डिमांड करें, सर्विसेज की डिमांड करें, आइडियाज को फॉलो करें, तो ये डिमांड को क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस। कुछ एडवर्टाइजिंग ऐसी भी होती है जो लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था आइडियाज को लेकर। आपने एक आइडिया आया आपके मन में और आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करा दी। फॉर एग्जाम्पल कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, है ना, चाइल्ड लेबर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, सर्व शिक्षा अभियान को लेकर, तो काफी सारी बातें ऐसी होती हैं जो आइडियाज बेस होती हैं। तो आप क्या चाहते हो कि वो लोगों तक पहुंचे, उनके अंदर अवेयरनेस आए, पानी बचाएं, ऊर्जा बचाएं, बिजली बचाएं, तो ये सारी अवेयरनेस के काम भी
एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होते रहते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या होते हैं।